मामा हेलो रिद्धि सिद्धि, हेलो बाबू, हेलो, क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो आप? डॉल का काम कर रहे हो? अच्छा, डॉल आपकी क्या कर रही है? हाँ बाबू, डॉल को क्या करा रहे हो? हाँ, अरे अरे अरे, डॉल को क्यों भगा दिया? हाँ, डॉल क्या कर रही है बाबू आपकी? ये प्लांट है बाबू। बाबू डॉल क्या कर रही है? हाँ, डॉल को कैसे सुलाते हो आप? डॉल को सुला के बताओ। ओहो ओहो, अच्छा। और डॉल को क्या करते हैं, मसाज करते हैं क्या? डॉल को मसाज करते हैं क्या? करता है। अच्छा सीधी, आप एक मंत्र सुना दोगे? सुना दो, सर्वे भवन्तु सुखिना सुना दो, सुना दो बेटा। रिधि आप सुना दोगे? हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना सुना दो। हाँ सुना दो बाबू, बोलो सर्वे भवन्तु सुखिना, सुनाओ, ही सुनाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखिए हमारी रिद्धि और सिद्धि मुझे प्लांट लगाने में हेल्प करा रही है, और ये अभी सोकर उठी है, मिल्क पी ली है। अब ये थोड़ा सा खेलेगी, उसके बाद फिर ये क्या करेगी बाबू, क्या करेगी उसके बाद, क्या करोगे? थोड़ा सा दूध पियोगी फिर से। ओहो, उसके बाद ये थोड़ा सा, इसको आलू भुजिया पसंद है। इसके बाद ये और क्या खाती है, और क्या पसंद है बाबू आपको? मूंग दाल खाती है, मूंग दाल का मिक्सचर खाती है। और क्या खाते हो बेटा? मिक्सचर। और क्या खाते हो बेटा? और सोया कटोरी, सोया स्टिक, और काजू, और आलमंड, और किसी। अच्छा, और क्या खाते हो बाबू आप? दिन में क्या खाए थे आज? आज आप क्या खाए थे? बाबू मेरी खाई थी क्या, सोनियाबीन। ये सोनियाबीन खाई थी, ये सोयाबीन को सोनियाबीन बोलती है, इसको सोयाबीन पसंद है ना बाबू? आप सोनियाबीन खाए थे? ओ माई गुड गर्ल, आप बहुत अच्छी हो ना। अच्छा बाबू, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं बाबू? बाबू को सबसे ज्यादा प्यार इसकी दीदी करती है, ये बोलती है मेरी दीदी सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है ना। देखिए आज का मेरा ये शॉपिंग है, मैं प्लांट लाई हूँ, कुछ प्लांट लाए हैं, कुछ ऑर्डर का है और कुछ मारा खुद का है, तो ये सारे प्लांट लाए हैं। तो हाँ, ये रोज़ का है और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, और भी प्लांट लाई हूँ इसके अलावा, वो छत पे रखा हुआ है, तो अभी इतने ही प्लांट नीचे थे तो मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए, ये जो प्लांट है ये मोगरा का है, मोगरा मेरे पास पहले से था। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कोई मतलब किसी को चाहिए, मैं सेल भी करती हूँ प्लांट, थोड़े बहुत सेल कर लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं। अब किसी को आसपास में ज़रूरत होती है तो मैं उनको तैयार करके दे देती हूँ। तो ये जो है मोगरा का है, मेरे पास मोगरा का पहले से था, तो किन्हीं को चाहिए था तो वो मैं दे दी। अब मैं ये न्यू मोगरा ले आई हूँ। अब देखिए इसमें कितना छोटा प्लांट है, ये नर्सरी से मैं लाई हूँ, ये कल ही आया है, और कितना बस दो तीन डंडियाँ हैं। अब मैं इसको पालूंगी, ये जो मेरे पास रहेगा ये बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, और जब किसी को ज़रूरत होगी तो इसमें फ्लावरिंग होता रहेगा, और फिर दूंगी तो फिर ये मतलब अच्छा स्ट्रांग बन जाता है, और उसकी केयर जो है ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अभी ये बेबी प्लांट है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो इसलिए मैं हर प्लांट को अपने पास एक एक दो दो लाकर रखती हूँ, और उसको अपने हिसाब से उसका केयर करती हूँ। ये है एक मधुमालती, हट बेटा पीछे हो जाओ थोड़ा, ये मधुमालती है। अभी इसमें भी देखिए दो तीन डंडियाँ हैं, बस दो डंडी हैं, ये देखिए कितना पतला सा है। और मेरे पास भी ऐसे ही था, मैं तो इससे भी छोटा लाई थी, एक बस एक डंडी था, उसमें एक स्टिक था, और उसके बाद जो है आज छत तक चला गया है, पूरे एक फ्लोर में चला गया है, उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये भी बड़ा हो जाएगा, नर्सरी में ऐसे ही प्लांट्स मिलते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं, और फिर उसको अपना आप लगाइए, धीरे धीरे वो ग्रो करता जाता है और अच्छा बन जाता है। ये मैं गुलाब का लाई हूँ, ये रेड रोज़ का ऑर्डर था किसी का, मेरे पास तो है छत पे लगा हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया। अभी ये देखिए छोटा सा प्लांट है, और अब जो है मेरे पास जो लगा हुआ है उसके 5 महीने हो गए, और वो इतना हैवी हो गया है, कम से कम एक गमले में 8-10 गुलाब डेली आता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा हो गया है। ये दो प्लांट गुलाब का है रेड कलर का, और दो जो है वो पिंक कलर का है। ये तो
एक ये पिंक कलर का है और एक और पिंक कलर का है, तो दो पिंक कलर का मंगाए हैं और दो क्रीम कलर का मंगाए हैं। तो इसको बड़े गमले में 12 इंच के गमले में लगाऊंगी और एक ही गमले में दो गुलाब लगाऊंगी, एक रेड कलर का और एक पिंक कलर का। उससे क्या होगा, जब फ्लावरिंग होता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मिक्स कलर रहते हैं। और ये जो है कश्मीरी गुलाब है तो ये बहुत ज़्यादा खिलता है और बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो ये गुलाब जो है सालों भर आपका सर्वाइव करता है बहुत अच्छे से, और सालों भर पूरे साल जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है। एक जो इंग्लिश रोज रहता है होता है वो भी बहुत अच्छा, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, कितने फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें एक फ्लावर्स में दो कलर होते हैं, लेकिन उसका क्या है, उसमें केयर बहुत करने की ज़रूरत होती है। वो गर्मी में थोड़ा ख़राब होने लगता है, वो विंटर में अच्छा ग्रो करता है, तो गर्मी में उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। ये जो देसी गुलाब है ये रफ एंड टफ होता है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लावरिंग भी अच्छा करता है। और मेरे हिसाब से लोगों को देसी गुलाब ही लगाना चाहिए, क्योंकि देसी गुलाब जो है, ये गुलाब है इसका यूज़ भी बहुत है। आप इसको फेस पैक बना सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं, रोज़ वाटर बना सकते हैं, तो इस तरह से चाय बनाते हैं, चाय में गुलाब को डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस गुलाब का बहुत यूज़ है। जो इंग्लिश गुलाब होता है उसका मतलब इस तरह से हम यूज़ नहीं, मुझे नहीं पता है कि होता होगा। और इस तरह से ये गुलाब का है। और ये जो है एक छोटा सा सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये मंगाई हूँ। ये भी मेरे पास पहले से था, जिसको मैं बहुत अच्छे से 3-4 महीने से रखी थी और मेरे पास बहुत अच्छा वो चल रहा था, और अब जो है उसको मैं किसी को चाहिए था तो फिर वो मैं दे दी। अब ये छोटा सा सनरोज सॉन्ग ऑफ इंडिया लाई हूँ और इसको लगा दूंगी। ये थोड़े दिन में 2-3 महीने में ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक सॉन्ग ऑफ इंडिया मैं दिखा रही हूँ, आप मेरे पास देखिए कितना बड़ा हो गया। तो इस तरह से है कि थोड़ी दिन इसको रखूँगी तो ये बढ़िया हो जाएगा और फिर किसी के घर जाएगा तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। क्या बेटा बोलो? यस बेटा, यस मम्मा, यस बेटा, बाबू बोलो। और ये मेरा बनाना ट्री है, ये बनाना ट्री मंगाई हूँ। ये भी किसी को चाहिए था तो ये मैं अभी जो है गर्मी की वजह से इसकी जो है लीव्स है वो बर्न हो रहे हैं, ये देखिए ऐसे हो गया है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी इसके लीव्स अच्छे हो जाएंगे और ये प्लांट बहुत सुंदर हो जाएगा और इसमें बहुत नए लीव्स आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। गर्मी में बनाना के लिए जो प्लांट होते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं और जैसे रेनी सीजन में बहुत सुंदर हो जाएगा। एक प्लांट मैं लाई हूँ, इसको कहते हैं पेसी फ्लोरा। ये देखिए ये बेल है, वाइन में है, पेसी फ्लोरा कहते हैं और इसको पैसन फ्लावर भी कहते हैं। ये देखिए इसका नाम, इसकी जो है इसकी जो पत्तियां हैं वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसको नाम ही इसका है पैसन फ्लावर। और ये जो है ये बेल है, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसका नाम जो है वो राखी फ्लावर्स भी बोलते हैं, वैसे बोलचाल की भाषा में इसको राखी फ्लावर्स बोलते हैं। राखी फ्लावर्स इसको इसलिए बोलते हैं, अभी इसमें एक भी फ्लावर्स नहीं आए क्योंकि इसको भी कल ही लाए हैं नर्सरी से। तो इसमें इसको राखी फ्लावर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के टाइम में आप देखे होंगे कि बहुत, अब तो छोटी छोटी राखियाँ मिलती है, पहले जो है बहुत बड़ा बड़ा राखी मिलता था, एकदम वो पूरे मतलब कलाई को भर देता था, इतने बड़े बड़े राखी होते थे। तो उस तरह का इसके फ्लावर्स होते हैं, पूरे राखी जैसा फ्लावर्स होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और 3-4 दिन तक ये फ्लावर्स रहता है और ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। गर्मी का होता है, पूरे गर्मी जो है इसमें फ्लावरिंग होते हैं और सर्दियों में ये ख़राब नहीं होता है, इसके लीव्स गिर जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं होता है, लेकिन प्लांट जो है वो सही रहता है। और जैसे ही गर्मी आता है फिर से इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ये बहुत थोड़ा, लेकिन ये है कि थोड़ा महंगा प्लांट होता है। ये 200 या 250 का प्लांट है और ये रेड कलर का है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, पर्पल होता है, क्रीम होता है। पर्पल कलर जो होता है वो नॉर्मल कलर होता है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाकी जो कलर आप लेंगे तो थोड़ा वो महंगा पड़ता है। पर्पल कलर 150-200 तक मिल जाता है, लेकिन ये 250-300 का आता है, नर्सरी वाले 300 का बोले थे पर मुझे 250 का मिल गया। तो ये इस तरह से है, तो इसके बहुत अच्छे फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स ही देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं सोची इसको लगाऊँ। तो इस तरह से ये कुछ प्लांट लाए हैं और इसको लगाएंगे अब थोड़ा धीरे धीरे करके,
और पहले भी मैं लाई थी वो सारे लग गए हैं। अब मैं सबको एक साथ जब लगा लूँगी बालकनी में तो फिर मैं आपको ये सारे प्लांट्स को दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये मेरा शॉपिंग है आज का। तो इस तरह से आप भी प्लांट लाइए, सुंदर सुंदर प्लांट। अब जो है, अभी अगर किसी को प्लांट लगाना है तो अभी बहुत अच्छा टाइम होता है न्यू प्लांट को घर में लाने का, क्योंकि अभी जो है रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है। कोई भी प्लांट आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से जो है रेन वाटर पड़ता है उस पर और वो बहुत अच्छा ग्रो भी करता है और अच्छे से आपके घर में एडजस्ट हो जाता है। गर्मी के दिनों में प्लांट ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जो भी नए लोग हैं जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा प्लांट के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको जो है इस टाइम में या फिर सेप्टेम्बर के महीने में लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है थोड़ा वेदर सही हो जाता है। प्लांट को जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी पसंद होता है, मतलब क्या अभी का टाइम जो है बहुत अच्छा है। अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आप सेप्टेम्बर में लगाएंगे, सेप्टेम्बर में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो उस टाइम में भी न्यू प्लांट लगाने का बहुत अच्छा मौसम होता है। फिर आप फरवरी में भी लगा सकते हैं, फरवरी में, लेकिन ज़्यादा प्लांट जो होता है वो सर्दियों का लगता है। तो गर्मी का प्लांट जो है वो आप अभी लगाइए, अभी लगाएंगे तो वो अच्छे से आपके घर में सेट हो जाएगा। तो आप लाइए नए नए प्लांट लाइए सुंदर सुंदर और अपने घर में लगाइए और अपने घर को सुंदर स्वच्छ बनाइए। थैंक यू।